रिकवरी रेट जो 80% के नीचे गया था, अभी वो 93% है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो जो अलग अलग जो पैरामीटर्स होते हैं बेड अवेलेबिलिटी के वगैरह, तो ये सब बेड अवेलेबिलिटी अभी हर ज़िले में उपलब्ध है, बेड्स की संख्या, इसलिए उसमें भी पूरा कंट्रोल है। तो एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। एक ही है कि हमें ये जो डिक्लाइन हो रहा है, ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन करना है और कर्व फ्लैट करना है। और इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि 1 तारीख को जो हम लॉकडाउन जो 1 तारीख तक था, उसको हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, सब्जेक्ट टू जो ज़िलों में पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, जो ज़िलों में तुम्हारे जो बेड्स उपलब्धता या यह है उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है, तो उनके लिए थोड़ा जो रेस्ट्रिक्शंस है वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जहाँ पर बेड उपलब्धता और पॉजिटिविटी रेट स्टेट एवरेज के नीचे है, उन ज़िलों के लिए हम शिथिलता रेस्ट्रिक्शंस में दे सकते हैं। तो इसके बारे में 1 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य विभाग और जो टास्क फोर्स बनाई गई है, उनसे विचार विनिमय करके निर्णय लेने वाले हैं।